देश के 100 शहरों को वैश्विक मानकों पर विस्तृत करने के मकसद से शुरू की गई स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत धर्मशाला शहर का चयन किया गया है, लेकिन यहां योजनाओं के क्रियान्वयन में अब तक घोर लापरवाही देखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने का ही नतीजा है कि जमीनी स्तर पर अब तक इसकी झलक नहीं देख रही है। धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 2109 करोड़ रुपए की परियोजना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए स्वीकृत 50 पदों में से अभी तक 10 पर ही नियुक्तियां हो सकी हैं। फास्ट ट्रैक राउंड में 24 मई 2016 को देश के 13 शहरों का चयन किया गया था, जिसमें धर्मशाला भी शामिल था। इसके उपरांत 20 अगस्त 2016 को स्पेशल पर्पस व्हीकल का गठन किया गया था। 25 सितंबर 2017 को धर्मशाला स्मार्ट सिटी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए चयनित किया गया था। परियोजना से संबंधित अधिकारियों का कहना है कि अब तक 23 प्रोजेक्टों को 270.38 करोड़ रुपए की परियोजनाएं निवादा के विभिन्न चरणों में हैं। धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 2109.69 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई है, जिनमें से केंद्र सरकार ने लगभग 292.27 करोड़ रुपए की अवज में 195.73 करोड़ रुपए के करीब जारी कर दिए हैं, जबकि प्रदेश सरकार ने 473.11 करोड़ की एवज में अभी तक 26.79 करोड़ रुपए जारी किए हैं। विभिन्न बैंकों में जमा राशि व अन्य प्राप्तियों से 29.18 करोड़ रुपए का ब्याज अर्जित किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन धर्मशाला के तहत एरिया वेस्ट डेवलपमेंट के लिए 1828.12 करोड़, स्पेशल पर्पस व्हीकल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए 138 करोड़ रुपए की परियोजना प्रस्तावित है। 2 साल बाद भी धर्मशाला में स्मार्ट सिटी परियोजना रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए गठित धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड ही अभी संसाधनों की कमी से जूझ रही है। इस उपकरण में सरकार ने जिन प्रशासनिक अधिकारियों को तैनात किया है, वे सिर्फ अतिरिक्त पदभार संभाल रहे हैं, लिहाजा वे स्मार्ट सिटी परियोजना पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं है। उपक्रम के पास अभी तकनीकी विशेषज्ञ भी नहीं है। अभी जो हमारे रास्तों के कार्य एवं जो रूट जोन टेक्नोलॉजी से जो हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य है वो चला हुआ है ग्राउंड पे, और कुछ रास्ते कंप्लीट भी हो गए हैं, और सीवरेज ट्रीटमेंट का जो फर्स्ट फेज का कार्य है वो अंतिम चरण में है। इसके अलावा 2 कार्य हमारे अवार्ड हुए हैं, जो जैसे कि सोलर रूफटॉप सोलर प्लांट का जो कार्य है वो अवार्ड स्टेज पे है, एवं जो स्मार्ट क्लासरूम का कार्य है वो भी टेंडर कंप्लीट होकर अवार्ड स्टेज पे आ गया है, और ये कार्य जल्दी ही धरातल पर शुरू हो जाएंगे। नगर निगम धर्मशाला के मेयर एवं स्मार्ट सिटी धर्मशाला के निदेशक देवेंद्र जग्गी ने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए 50 पद स्वीकृत हैं, जिनमें वर्तमान में 10 पर ही नियुक्तियां हो सकी हैं और अभी तक 40 पद रिक्त पड़े हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना से जुड़े काम अभी प्रारंभिक चरण में हैं और प्रस्ताव तैयार करके सरकार को भेज दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी अप्रूवल उनको नहीं मिली है। सेकंड रन बेसिस पे 24 पोस्टें थी, जिसमें से 6 ही भरी गई हैं, और आउटसोर्सिंग पे 26 पोस्टें थी, जिसमें अभी तक 3-4 पोस्टें भरी गई हैं। कुछ 40 पोस्टें अभी तक वेकेंट है हमारे पास, लेकिन क्योंकि सेकंड बेसिस पे जो सरकार के जो लोग आए थे वो अभी तक पहुंचे नहीं है, और आउटसोर्सिंग एजेंसी जो है वो अभी तक इंपैनल हुई नहीं है। दूसरा, कुछ प्रोजेक्ट हमारे इसलिए देरी से चल रहे हैं क्योंकि हमने सरकार को अप्रूवल के लिए भेजे हुए हैं, टेक्निकल सेंक्शन के लिए भेजे हुए हैं, जो कि पिछले 2 महीने से शिमला में है और जिसकी अप्रूवल हमें अभी तक आई नहीं है, तो ये भी एक कारण है जिसपे हम थोड़े से स्लो चले हुए हैं।